24 मिनट पर एनसी रोड पर एक आदमी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 6 इंच का चाकू पसली और छाती के आर पार। अरे क्या लिखा हुआ आर्टिकल लिखे हो कि गोबर किए हो? आर्टिकल के नाम पे पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। इधर से छक मारे ऑफिस में, अखबार में काम करते करते जिंदगी निकल जाएगी, दिमाग तो है ही नहीं। हाँ ये देखो, हाँ देखिए क्या लिखे आप। हाजीपुर में एक भैंस का रिक्शा से टक्कर, 2 घायल। पूर्णिया में एक बहू ने अपनी सास का किया सरेआम बेइज्जती, क्राइम में पड़ेगा। इडियट सर, वो सच में भैंस के दिमाग में केमिकल लोचा था और वो सास का कहीं चक्कर चल रहा था। हमको तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा लग रहा है, आपका दिमाग ना काम करना बंद कर दिया। हमारा मतलब वो नहीं था। आप अपना मतलब छोड़िए, हमारा मतलब बुझिए। देखिए एक बार और ऐसा गोबर किए ना तो इस अखबार से आपका हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी, बल्कि हम तो कह रहे हैं ये क्राइम रिपोर्टर से छुट्टी ले लीजिए ना आप। अरे बड़े आए रुको कुमार पत्रकार। सर इस बार हमको क्षमा कर दीजिए, हम अरे हाथ क्या जोड़ रहे हैं आप। अब ठीक है सुनिए, ठीक है फाइनल चांस दे रहे हैं आपको, आउट। सुनिए अपना गोबर उठाइए। अरे भैंसिया वाला न्यूज पर एडिटर फिदा हुआ के नहीं? एडिटर के साउंड से लगता है कि तशरीफ पे लात पड़ा है आपके। आप ना इन लोगों की बातों को मत सुनिए। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये फाइनल चांस दिया एडिटर साहब। हम सुने हैं कि अपने स्टोर में कछु पुराना रिसर्च मटेरियल है, आप उसी से कोई न्यूज निकालिए ना, किसी पुरानी घटना का नया विश्लेषण। गाना है मगर जबरदस्त है, उठाई लो बाबू, ये बहुते काम का चीज है। कहे डरा दियो तुम? अरे नहीं भैया ये बहुत खतरनाक लग रहा हमको, पुराना चीज है कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा दिन बदल जाएगा, ले जाओ इसे अपने घर है। हो ना बे दिन बदल जा, दिन ही तो बदलना है, तो ले चलता है इसको। हाँ।
माँ पानी ला दे जरा। आ गया बेटा? हाँ हाँ लाती हूँ पानी। भैया ले ले उठाओ उसको। ए कहाँ है बेटा? ये टाइपराइटर है। अच्छा ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। ले बेटा पानी। अच्छा ऐसा है हम मोहन के घर जा रहे हैं, उसकी माँ बहुत बीमार है, ठीक है खाना खा लेना, हमको आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। ठीक है खाना लगा दीजिएगा हम अपने आप। हाँ 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 रख दो बस। जा हो भैया। कहाँ रहो भैया? क्या चपरसिया क्या टाइपराइटर पकड़ा दियो हमको? ना ये टाइपराइटर चल रहा है ना हमारा दिमाग चल रहा है। और बॉस कह दिया है कि बस आखिरी टाइम लास्ट चांस। क्या लिखा है अब? घुसो घुसो कोई तो आइडिया घुसो हमारा खोपड़ी में। चल तो एक इतना दिन से तू चाय पिलाता है तुमको समझ में नहीं आता है, हैं? ललनमा को ठगता है। भैया तो चाय दे दो। ए, हम हिमा दिख रहे हैं, हम पहले से हिमा खड़े हैं चाय पीने के लिए, और तो उधर से आकर के बोल रहा है कि तो चाय दीजिएगा। अरे चाय की दुकान है कि तुम्हारे बाप की जागीरदारी? बाप तक मत जाना। ललन यादव के बाप तक जाने के लिए साला उसको 7 जन्म लेना पड़ता है। अरे कुंदनमा आज उसको हम चाय पिलाते हैं। देख बेटा ये चाय है पी। नहीं पी नहीं। अबे पी 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 अबे पी पी। ललन यादव के बाप तक जाएगा। ये ले आओ तेरे चाय ना। ये ले नहीं पी। अरे पी तू क्या तेरा बाप नहीं पिएगा? आओ तेरे चाय। ए तेरे को चाय की बड़ी जल्दी पड़ी है सर। आओ ला रे आओ चाय दे। अरे साले तुझे इतना चाय पी लाऊंगा कि तुम मेरे बाप का नाम ले पी। अबे पी पी। ललन यादव के बाप तक जाके देख रे ससुरा जिंदा है कि मर गया। अरे भैया जी ससुरा मर गया है। मर गया साले को उठा के डाल दे झाड़ी में। मिल गई खबर। कौन कर गया? आज डीसी कॉलेज के बाहर एक चाय की टपरी पे महक एक कप चाय को लेकर दर्जन भर लोगों में झगड़ा हो गया। चाय पी पी के लास्ट चांस वरना कल से नौकरी पे मत आना। अरे बाप रे बाप लिखे हैं। हमको माफ करना भगवान, अब नौकरी बचाना है तो ये कर देते हैं।
तो ये शुरुआत है पत्रकार बाबू, आगे आगे देखो होता है क्या। दिखाओ, दिखाओ। सर भाई चमत्कार हो गया। सुनो भाई सुनो, सब इधर जो पत्रकार कल तक भैंस और साल बहू के बारे में लिखता था, ऐसा फड़कता हुआ आर्टिकल लिखा है, फंटास्टिक मजा आ गया। आपको ना और लिखना पड़ेगा ऐसे ही आर्टिकल, बहुत सारे बढ़िया से हैं, रोमांचक, थोड़ा तड़कता फड़कता हुआ है, ठीक है, फंटास्टिक। सर सर कहीं इन्होंने कोई तुक्का तो नहीं मार दिया? अच्छा रिकू जी में बहुत टैलेंट है, बस एक मौका। थोड़ा टैलेंट आप भी दिखा दीजिए, जो काम दिया वो कीजिए। चल चले काम पे, चले अपने काम कीजिए। अरे मिश्रा जी भाई, वो जो बेगूसराय पे आप सामाजिक आर्टिकल लिखे हैं, हाँ आपने बैकग्राउंड का जो मर्डर किया है ना, एक दिन हम आपका ना छुट्टियां कर देंगे। अरे चश्मा पहन रखे, कुछ तो इज्जत कीजिए, चलिए काम कीजिए। और भिगू कुमार तुम बैठे कहाँ हो, देखो बहुत बढ़िया नया आर्टिकल लिखो, तड़कता फड़कता बड़ा मजा आएगा, ठीक है, मजा आ गया, काम कीजिए। ये प्रभु आज साथ दे दीजिएगा हमारा तो खुद ही कुछ लिखना पड़ेगा। तो कैसे चलते हो बढ़िया, कल तो बहुत बढ़िया से टाइप कर दिए थे सब कुछ। जाम है कोनो बटन वटन है का बाबू इधर? ओए अरे भैया चल पड़ो बाबू, आज वाह हुआ है, कल हाय हाय मत करवा दीजिएगा हमारी। अरे बाप रे क्या करें। तुम अगले साड़ों के लड़के के साथ 3 साल से टेंशन चल रहा है, 3 लोग हमको घेर के मारे, एक गोली कनपट्टी पर, एक गोली माथे पर। कौन है तुम, जवाब क्यों नहीं देते, अपना परिचय तो दो। उसके बाद तत्काल हमारा डेथ हो गया, पुंसिया जमालपुर इंटर स्टेट हाईवे पर हमारा मर्डर हुआ है सर। अरे भाई कौन हो बताओ हमको। प्रीत है हम, कथा प्रीत। तो तुम कल क्यों नजर नहीं आए? सोचा तुम्हें अपनी शक्ल दिखा दूं। कीजिए। अखबार की बिक्री बढ़ गई, बस आप ऐसे लिखते रहिए। और एक गुड न्यूज भी है, सुनो भाई सब लोग, सब लोग सब लोग सब लोग आओ इधर, आज से क्राइम डेस्क का चीफ तुम। हम? और ये तो हम
अरे बार बार हाथ काहे जोड़ते हो भाई, आप तो अच्छा काम किए हो। वैसे एक बात बताइए, ये जो जितना कहानी सबका सोर्स है हमको बताया नहीं आज तक? वो सर हमारे खबरी है ना, वो नजर रखते हैं सब। रघु जी, अरे जरा नाम तो बताइए। पत्रकारिता के असूल तो जानते हैं ना आप? सही बोले, कुछ तो अक्कल लगाइए आप लोग। चलो आपने काम करो, काम करो भाई, बहुत बढ़िया है। बस आप लिखते रहो, जागते रहो, लिखते रहो, जागते रहो भाई। चलो अपना काम करो, काम करो मिश्रा जी। अब एक तो हमारे हाथ से भी बनता है। तुम भी खाओ। नमस्कार प्रेत बाबू, भाई कमाल है आप सच में। बहुत बहुत बधाई हो भृगु कुमार। मेहरबानी तो आपकी है, आप ही कर रहे हैं सब। पर आप तो बता दीजिए। क्या क्या बता दें? आपको कैसे पता चल जाता है कौन सा अपराध कब कहाँ होने वाला है? मतलब तुम्हें आम से मतलब है या गुटलियों से? हो गया कांड? कहाँ क्या? प्रेत जी चले गए। अरे हम भी तो देखें, ये टाइपराइटर में है क्या, कौन सा जादू है? मैं पत्रकार भृगु कुमार, खबरों की तेज तलवार। सर चलिए, ये वारदात आज सुबह ही थाने में रिपोर्ट हुई है ना, देखिए जरा। जी सर, लालजी टोला में जो काउंसलर बल्लभ तिवारी का मर्डर हुआ उसकी बॉडी को मैंने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है सर। अरे वो सब छोड़िए और ये बूझने का प्रयास कीजिए, ये घटना आज सुबह थाने में दर्ज हुई और पेपर में भी सुबह ही छप गया, वो कैसे? अरे सर ये भी कोई कहने की बात है, अखबार तो रातें में ना छपता है। वारदात से पहले खबर? सर कुछ तो है। एडिटर साहब, इंस्पेक्टर खुराना बोल रहा हूं, वारदात की खबर आपको कैसे पहले मिली? वो वारदात तो कल शाम को हो गया था ना, तो अब तक खबर जो है वो सुबह पहुंची है। तो आपके पास खबर कल शाम को कैसे पहुंच गई? साहब वो हमारे खबरी लोग रहते हैं ना हर तरफ, तो उसने हमें इन्फॉर्म किया था। नंबर दे दो अपने खबरियों का। अरे साहब ऐसे कैसे दे देंगे, खबरी का पहचान बताना तो हमारी पत्रकारिता के खिलाफ है ना। ठीक है पत्रकार साहब, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी उल्टा पुल्टा निकला ना तो आप जाएंगे जेल के अंदर। एक और बात, वारदात की खबर पुलिस को देना हर नागरिक का कर्तव्य है और उसका ड्यूटी भी, और ना देना अपराध, समझे? ये तलवार यहां कैसे? मैं पत्रकार भृगु कुमार, खबरों की तेज तलवार।
वारदात से पहले खबर। ये महाराज, ये सब कैसे? हमारे तरीके हैं बंधु, जादुई तिलिस्मी तरीके। बताइए तो ये कैसे होता है? बताना जरूरी नहीं, हम कथा प्रेत हैं, आम से मतलब रखो, गुटलियों से नहीं, समझे? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया एटीट्यूड है आपका, पर देखिए ना, करते सब कुछ आप हैं और उसका फल हमको मिल जाता है, आपको क्या मिला? हमारे चाहते हैं आप बंधु। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, पुरस्कार के रूप में हमारी तरफ से एक तुच्छ भेंट, रखिएगा एक मिनट। महाराज ये देखिए, ये आपके लिए। कलम? हम तो टाइपराइटर पे। अरे हम जानते हैं महाराज, लेकिन ये हमारी तरफ से एक निशानी समझिए, मिमेंटो। रखेंगे तो अच्छा लगेगा, आप रख लीजिए। चलो अब हटो, खबर नहीं चाहिए तुम्हें कल के लिए। हाँ हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप आराम से लिखिए, हम भी जरा लघु शंका से होके आते हैं। बेटा चाय? हाँ माँ, रख दो बस। अरे अब तू तो इतना तरक्की कर लिया है, है? तो फिर ये टेंशन में काहे बैठा है? टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है माँ, वो ऑफिस जाना है ना, हमको ऑफिस जाना है बस। अच्छा ठीक है, हम नाश्ता लेके आ रहे हैं, नाश्ता करके जाना। क्या हुआ कथा प्रेत को, अभी तक नहीं आया? आ गया, ये लो। कितनी गलतियां किया हो तुम टाइपिंग की, हाँ देखो तो बिल्कुल टाइपिंग नहीं आती तुमको तो। कथा प्रेत कभी टाइपिंग में गलती नहीं करता। अच्छा तो हमको बताओगे टाइपिंग का, और हम बताते हैं तुमको कितनी गलतियां किया तुम इसमें। लाओ पेन दो जरा हमको। ये देखो, यहाँ देखो कोमा होना चाहिए, ये ऊ की मात्रा होना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ फुल स्टॉप, और ये डा जो है बड़े वाला होना चाहिए, और इधर छूटे ऊ की मात्रा, समझे हो? ना फुल स्टॉप ना कोमा, करते क्या हो तुम? गलती हम नहीं, तुम कर रहे हो, स्पेलिंग कमजोर है तुम्हारी, हमारा काम ओवर हो गया, हम चलते हैं, रात को मुलाकात होगी। अरे फिर गायब? वाह भृगु कुमार, अब इस चिप से सब पता कर लूंगा, कैसे कैसे कहानी बना रहा है भैया। Oh.
दादी, हम पे कैमरा लगाते हो, खबरदार, खबर बना देंगे तुम्हारी। मतलब ये कथा प्रेत को सब मालूम था? मतलब अपराध को पहले अंजाम देता है और फिर उदय उसकी खबर लिखता है और फिर हमको? अरे बाबा रे, नहीं ये तो गलत है। अरे ब्रिगेड भाई, अरे बैठो बैठो, आज का कहानी सब दिए नहीं अब तक? सर वो आज की कहानी हम नहीं लिख सके, हमारा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है तो खबरी लोगों को भी संपर्क नहीं कर पाए। अरे है तो ये कहानी तो है, सुनसान सड़क पर दंपति की हत्या और बड़ा बाजार में बैंक में डकैती, ये ताजा कहानियां है। अरे नहीं सर, इन कहानियों का कोई प्रूफ नहीं है, ये ठीक नहीं है। प्रूफ? अरे भी तुम्हारी खबरी तो भेजे ना कहानी, फिर काय का प्रूफ? और अरे भैया, आज से पहले तो कभी प्रूफ का बात किए नहीं आप। हम तो कह रहे हैं डाल देते हैं प्रिंट पे। अरे नहीं सर, ये गलत होगा, उनको नहीं छापना है, आप रख दीजिए उनको। ये अपराध नहीं करेंगे हम। जासूस भी को कहानी क्यों रोका रे? कहानी नहीं अपराध है, क्राइम कर रहे हो तुम। और क्राइम रिपोर्ट करना तुम्हारा काम? रिपोर्ट नहीं ना करवा रहे हो, अपराध करवा रहे हो उसे। इस फेक न्यूज़ के जमाने में तुम नीति नियार वाला कब से हो गया रे तुझे पत्रकार? ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये मैन्युफैक्चर्ड न्यूज़ है। पहले तुम घटना को अंजाम देते हो फिर उसका न्यूज बनाते हो, तुम्हारा तो पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट कौन करेगा? तू? अरे तुम जाओ यहाँ से, हमको तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। कर रहे बाबू, ऐसा मत करो, घायल होइ से जबरदस्त खबर मिलेगी, जबरदस्त खबर मिलेगी। खबरदार, खबरदार भृगु कुमार, खबरदार, खबर बन जाओगे भृगु कुमार। जी आप भी कमाल है भृगु जी, अरे हम आपके केबिन में हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे आज के अखबार में इतनी बढ़िया खबर छपी है आपकी और आप हमको बोले कि कहानी ही नहीं है, ऐसा क्यों किया आप? मेरी कहानी छपी? अरे तो और नहीं तो किसकी, आपको तो पता है ना कि आपके प्रति हमरा का फीलिंग है। सुनिए एक मिनट, हम आपसे बाद में बात करते, मिलके बात करेंगे मिलके। उल्टा पुल के पास आदमी हवा में उड़ा, नथ नगर में पैसों की बारिश। पत्रकार भृगु कुमार, ये सब तो दिए नहीं,
सर। अरे भाई तुम तो कमाल के आदमी भृगु कुमार है। सुबह को कहानी दी है नहीं और रात को हमारे केबिन में आके तीन तीन फैंटास्टिक कहानियां छोड़ के चले गए। भाई हम थोड़ी देर के लिए टॉयलेट के चले गए, तुम आए कहानी रखे और निकल लिए। अरे सर फैंटास्टिक है। कहानी हमने नहीं दी है सर। तो किसने दिया? नाम तो तुम्हारे था भाई। पर कहानी हमारा नहीं था। और सर आज से हम कहानी नहीं लिखेंगे, कुछ दिन के लिए काम से दूर रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं भैया आप? तबीयत तो ठीक है ना आपका? देखिए हम जो भूल हो गया हो तो माफी मांग लें। अरे नहीं आप तो हमारे पिता समान हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ सर आपसे एक विनती है, वो हमारे नाम से कोई भी कहानी देना तो मत लीजिएगा। और हम तो कह रहे हैं कि कोई भी कहानी आप बिना किसी जांच पड़ताल के वेरीफाई किए नहीं लीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा भयानक कांड हो जाएगा। क्या क्या कांड हो जाएगा? हो गई एकदम से, सुनता नहीं क्या मां? अरे मां तुम मां, अरे मां यहां भी नहीं। नेटवर्क क्षेत्र फोन नहीं लग रहा, नैना को फोन लगाते हैं। अरे कासिम जी, ये सब खबरें कल सुबह के अखबार में छपेंगी, हाँ ये तुम ले जाओ। जी ठीक है। सर ये तो लगता है भृगु जी की कहानियां हैं, ये भी छापनी है? नहीं ये नहीं छापनी है, तुम ले जाओ और छापने के लिए दे दो। दरवाजा बंद हुआ लगता है। कासिम नहीं खुलेगा। ये कौन बोला? कासिम 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 दरवाजा खोलो, कासिम दरवाजा खोलो। नहीं खुलेगा, बैठो यहां। आप कौन है? कथा प्रेत। प्रेत? हाँ। वो दीवार पर तस्वीर देख रहे हो, अपराध पत्र कायदा का बेताज बादशाह कैलाश खबरी। कथा प्रेत 100 बरस पहले इसी अखबार में काम करता था। ये जो भृगु कुमार की कहानियां है ना, वो मैंने ही दी है उसे। सुना है
बिक्री बहुत बढ़ गई तुम्हारे अखबार की। फिर अचानक रोक क्यों रहे हो मेरी कहानियों को एडिटर? भृगु ने कहा है इसको नहीं छापे, इसलिए रोक दिए। तो ये बात है। फिर तो एडिटर मुझे तेरी कहानी बनानी पड़ेगी। नहीं, प्लीज, मुझे मत बनिए। भृगु कुमार की मां का अपहरण? मां? नैना अग्रवाल पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या? ये प्रेत तो खबर बना रहा है। मां, मां, मां! मेरी माँ को लौटा देगा तब पे, मेरी माँ को लौटा देगा तब पे। कहाँ है तू? सामने क्यों नहीं आता? सामने आकर तब पे। खबर लिखते लिखते तेरी जिंदगी खबर बन गई भृगु, तेरी जिंदगी खबर बन गई, मेरी जिंदगी खबर बन गई। एक कदम ले, मेरी जिंदगी को खबर मत बना, मेरी जिंदगी को खबर मत बना, कदम ले। खबर मैं पत्रकार भृगु कुमार, खबरों की तेज तलवार। खबर, खबर बना, बना, खबर बना, खबर बना। मामूली पत्रकार था भृगु कुमार, एक बार उसके हाथ एक तिलस्मी टाइपराइटर लगा, टाइपराइटर का प्रेत उसे खबरें देने लगा, फिर वो खबरें बनाने लगा, लोगों की हत्या, आगजनी, डकैतियां डालने लगा। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जब उसे अपने जुल्मों का पछतावा होने लगा। पछतावा? रुक जा भृगु कुमार, रुक जा। कथा प्रेत के रास्तों में अब तूफान उठने लगे, उसके रास्ते रोकने लगे, और उसी आंधी में आग के शोले उठे, ऐसी आग जो लोहा भी पिघला दे। कथा प्रेत उस आग में जलने लगा,
और झुलसने लगा। रुक भीखू कुमार, रुक। आंधी में तथा प्रेत जलकर राख हो गया। खबर बना दी ना आपने तुम्हारी कथा प्रेत जिसे तुमने बनाई कितनों की। ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ।